हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, हम इथेरियम के बारे में बात करेंगे, साथ साथ डॉट कॉइन के बारे में बात करेंगे कि अभी इसमें क्या हो सकता है, कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जो यहाँ पे आप सब कोई इस तरह डिस्कस करने वाला नहीं है। आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो आपको इस तरह के एनालिसिस देगा। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप उसको ज्वाइन करिए। कुछ भी यहाँ पे छोटी मोटी अपडेट होती है तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं वहाँ पर अपडेट जो है वो डाल देता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सा ये चार्ट है अभी तक हम लोग का चल रहा है। ठीक है, ये एक जोन था बिटकॉइन का, वहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। फर्स्ट टाइम बिटकॉइन में हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि एक दो तीन चार पाँच छः सात रेड कैंडल्स बनी है। ठीक है, और ये आठवीं है अभी तो, खैर 6 दिन है, कुछ भी हो सकता है, बट 6-7 रेड कैंडल पहली बार बनी है। मैंने भी यही यहाँ पे बोला था आप लोगों को कि 5 से 6 5 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन तो एटलीस्ट बननी चाहिए। ग्रीन का मतलब ये नहीं था कोई बुलिशनेस, बट ऐसा था कि जितने लोग ने यहाँ पे पोजीशन ओपन किए वो कहीं ना कहीं क्लोज करेंगे। देखो एक चीज़ जो जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है, ठीक है, उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो प्राइस देख के ही सारी चीज़ें उसको पता लग जाती हैं। आप लोग को, कई लोग को लगता है जब तक प्राइस में कॉम्प्लेक्सिटी ना लाए हम लोग, जब तक चार्ट को गंदा ना करें, प्राइस नहीं समझ सकते। एक चीज़ को आप समझो, जिन प्लेयर्स ने भी शॉर्ट्स ओपन किए हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है शॉर्ट्स को क्लोज करने के लिए अपने। ठीक है, वो अपनी पोजीशन को कभी भी स्क्वायर ऑफ करेंगे। इस लेवल पे बहुत अच्छी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, बहुत लोग के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, दैट्स वाई ये वीक बनी है। अगर ये वीक रियल होती तो इसकी एक एटलीस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन होती और इसके ऊपर जो वीकली की नई कैंडल थी इसके ऊपर निकल जाती, बट ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा हम यहाँ पे बियरिश जोन में आ चुके हैं। अभी हम टोटली बियरिश जोन में है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्राइस है यहाँ पे जून में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जुलाई में प्राइस यहाँ पे आया था। ठीक है, ट्रेडर्स को प्राइस मिला, मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ पे कई लोगों ने 33,000 पर बाइंग किया, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर 34 पे बाइंग हुई, बट बायर्स यहाँ पे अब इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि जितने लोग ने यहाँ पे बाइंग किया प्राइस इससे नीचे जा रहा है तो वो इंटरेस्टेड नहीं। अब उनका इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पे जो 22-24 का लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पर होगा। अगर आप एक चीज़ देखोगे प्रीवियस में, तो 19 से लेके जो रैली थी 37 तक इसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं थी, तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है या वीकली में इसके ब्रेकडाउन होता है तो इसके बीच में भी कोई रुकावट नहीं होगी, प्राइस 22-22 जा सकता है, 20,000 to 22,000 जा सकता है। और बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर उसको भी ब्रेकडाउन करता है तो 11-12 हज़ार जा सकता है। मुझे पता है कई सारे लोग इस बात से खुश नहीं है कि मैं 11-12 हज़ार की प्रेडिक्शन देता हूं, बट टू बी ऑनेस्ट मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं बस एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि देखो हाँ, जो ट्रेडर का एक एज होता है, ठीक है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, 100-200-300 व्यूज ही आते हैं वीडियोस पे, अगर आप लोग देख रहे हो उसमें से मैं मानता हूँ कि 20-30 लोग ही हैं जो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं। देखो एक जो इन्वेस्टर होता है जो यहाँ पे लॉस करता है और जो प्रॉफिट करता है उसके बीच में जो एज होता है, मैं आपको उस साइड ले जाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। आप ये समझो कि आप यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है, ये चीज़ अगर आप जानने के लिए बैठोगे तो आपका कुछ नहीं फायदा है उसमें। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि मार्केट में अगर ये भी हो गया तो मैं कैसे फायदा यहाँ पे लूंगा, इसके बारे में मुझे प्रिपेयर करना है। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो, बिटकॉइन चाहे ऐसे पंप हो चाहे डंप हो, मुझे बस प्रॉफिट करना है, उसके बारे में मैं कैसे सोचूंगा। पर्सनली मैंने अभी क्या प्लान किया हुआ, आप लोग को मैंने TLM की एक कॉल शेयर की थी शॉर्ट की। ठीक है, अभी भी मैं उस पोजीशन में हूं, बहुत अच्छे मैं प्रॉफिट में आया था, फिर मैं लॉस में भी गया, अभी मैं ब्रेक इवन पे चल रहा हूं जब करंटली मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है मेरा SLB हिट हो जाए, बट SL हिट होता है तो मैंने उसको स्पॉट में बाय करके रखा हुआ है, मुझे वो प्रॉफिट देगा, और SL हिट नहीं करता है तो स्पॉट में जो मैंने बाइंग करके रखा है उसके हेज में पोजीशन मेरी चल रही है फ्यूचर्स में, जो कि मैं अगर डंप भी होता जाता है तो जितना मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा मैं दोबारा उसको लगा दूंगा स्पॉट में एवरेज करने के लिए। आप समझो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा ये एडवांस में आ जाएगा आपके लिए, बट आप इसको अगर समझते हो तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे जानने को चीजें मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, मैं शॉर्ट साइड भी हूँ और मैंने बाइंग तो करके फर्स्ट बाइंग सेकंड बाइंग तक करके रखी हुई है। ठीक है, अब मेरे पास ठीक ठाक फंड है, आप लोग को पता है कि जैसे और भी इनकम के सोर्सेज हैं, वहाँ से भी फंड आते रहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग चलती रहती है फॉरेक्स में, वहाँ से फंड आते रहते हैं, तो वहाँ से मैं अर्निंग करके यहाँ पे नीचे के साइड में इन्वेस्ट करूँगा जब मार्केट आएगी तो। ठीक है, इस चौपी जोन में मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मैं इन्वेस्ट कब करूँगा जब मार्केट यहाँ से एक W पैटर्न इस तरह का मुझे दिखा के ऊपर जाएगी। तो अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ, कल या परसों क्या हुआ मार्केट में, कई लोग कहाँ पे फंस गए, मार्केट नीचे आई यहाँ पे, वो थोड़ा सा ऊपर गई फिर नीचे आई ऊपर गई, काफी लोग ने तुरंत इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना दिया कि बस इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, ब्रेकआउट हो गया। भाई मेरा सीधा सा कहने का मतलब है, जब W पैटर्न बनता है 4 आवर पे क्यों बना रहे हो, डेली पे यही चीज बना लो, प्राइस यहाँ पे आए नीचे गिरे, ये वाली स्विंग जो है, ये स्विंग जो है 31,000, मैं कहूंगा 31,000 आप ले लो इसको 600। ठीक, इसको ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, हालांकि मुझे बोलना चाहिए 32,700, पर चलो मैंने बोल दिया 31,600, ब्रेकआउट करे, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। ठीक, प्राइस यहाँ पे आया, वीक बनाया, ब्रेकआउट करे, इसको रिटेस्ट करे और इस तरह ऊपर जाए। ठीक,
और फिर ये वाली स्विंग भी ब्रेक करे, एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो, तब आप मान सकते हो कि हाँ कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। बट 4 आवर 1 आवर पे देखिए कैसे प्रेडिक्शन कर रहे हो, ये आप लोग के लिए इन द एंड जाके आप लोग को ही धोखा देने वाली है पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लास्ट स्विंग ही नहीं प्राइस ब्रेकआउट कर पाया, बस एक ग्रीन कैंडल बनी और लोग यहाँ पे बोलने लगे कि बस मार्केट बुलिश हो गई बुलिश हो गई। तो ऐसा मत करो यार, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में तब तक यहाँ पे आप लोग उसके फायदे उठाओ, ठीक है। डाउन साइड के टारगेट बता दिए वीकली, आप बस मैं एक छोटा सा लॉजिक फिर से वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद भी एक ही लॉजिक दूंगा, जब बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को यहां से ऊपर ले जाने के लिए तो आप इंटरेस्टेड क्यों, एक वीकली में इस तरह की कैंडल क्यों नहीं बनने देना चाहते। एक कैंडल अगर इस तरह की बन गई आप मार्केट में आपको और क्या ही देखना है, मैं कहता हूं। अगर आपको यहां पे एक कैंडल इस तरह एक सपोर्ट पे देखने को मिलती है, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, ये कैंडल कितने की है, ज्यादा नहीं है, 30,000 से लेकर 35,000 की कैंडल है, $5,000 की कैंडल है, उसके बाद 35,000 से लेकर आपको 52,000 तक की रैली देखने को मिली, तो यहां पे कौन किसका नुकसान हुआ जिसने इस चौपी जोन में ट्रेडिंग किया, तो यहां पे आपको क्यों लगता है कि मार्केट इसी तरह गिरी है और इसी तरह ऊपर चली जाएगी, आपको ये क्यों लगता है? थोड़ा सा वेट करो, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगी तब ऊपर जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इथेरियम में देखो, इथेरियम में क्या हुआ, सेम चीज हुई। इथेरियम में पहले तो मार्केट जो है अपने यहाँ पे डिमांड जोन पर आई, ठीक, फिर ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर लास्ट स्विंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं ब्रेकडाउन कर पाया, नीचे गिरा, फिर ये जो इसका सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब अगला टारगेट 1765 का यहाँ पे, उसको ब्रेक करता है तो उसके आगे टारगेट की बात करेंगे। बात कर लेते हैं डॉट की, ठीक है। डॉट में देखो एग्जैक्टली जो भी मैंने प्रीवियसली आपको चार्ट में बताया उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या चीजें हैं। यहाँ पर अब देखो प्राइस नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया। अब मैंने इस जगह पे बोला कि प्राइस को यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर ब्रेकआउट करने दो, तब ठीक है, प्राइस में ब्रेकआउट हो चुका है, नहीं होता तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पे आया, प्राइस मेरे एकदम लेवल तक नहीं आया, ठीक, पहली बात तो दैट्स व्हाई मेरी एंट्री भी नहीं हो पाई क्योंकि मेरा अलर्ट यहाँ पे था, जब मैंने देखा तो प्राइस इसको ब्रेकआउट कर चुका था। अब आ जाओ 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में रिफ्रेश कर लेता हूँ। 30 मिनट में देखो यहाँ पे अच्छा खासा 4 बार ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, बट मुझे इतना आइडिया था कि ठीक है मुझे ट्रेड नहीं करना है इसमें, मेरा मन नहीं किया ट्रेड करने का। रीजन इसके पीछे का मैं दे देता हूँ आपको, मैं ऐसा ट्रेडर हूँ, मैं बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा यहाँ पे महत्व देता हूँ कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ठीक। बड़े टाइम फ्रेम पे मेरी एक सप्लाई जोन था, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। मैं ट्रेड का भी इंटरेस्टेड रहूंगा जब सप्लाई जोन ब्रेकआउट होगी, इसके ऊपर 2-3 दिन, 1 दिन एटलीस्ट मार्केट रहेगी तो इसके नीचे कहीं मैं एसएल रख के ट्रेड कर लूंगा 10-12-15% का, तो वो मेरे लिए ठीक रहेगा। बट क्योंकि यहाँ से 12 से 14 जाने में टाइम नहीं लगेगा, बट यहाँ पे घूम रहा है इतना, तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं था डॉट में ट्रेड करने के लिए। तो ओवरऑल मैंने अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बिटकॉइन में अभी भी मुझे कोई ऐसा बुलिश सिम्टम नहीं दिख रहा है जैसा सबको दिख रहा है, मैं अभी भी शॉर्ट्स पोजीशन के लिए यहाँ पे हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने सिग्नल आप लोग को दिया था। 15 मिनट में चलते हैं, ठीक, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट पोजीशन ऐसी लेके जानी है जो बहुत तेजी से डंप होता हो, तो मेरे कुछ कम डॉलर्स के बहुत ज़्यादा डॉलर बन जाएंगे, तो मेरा ठीक ठाक पैसा उसमें बन जाएगा, तो मैं उसको स्पॉट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे TLM एक ऐसा कॉइन लगा, देखो मुझसे गलती बस कहाँ पे हुई, मुझे इसी रेड कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे गलती हो गई, बट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ठीक, मैंने यहीं पर कहीं पर लोगों को बोला था कि आप लोग यहाँ पे एंट्री लेना जैसे ही ब्रेकडाउन होगा। मैं सो गया इस टाइम पे, ठीक है, अलर्ट आया, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होकर गिर रहा था, जब मैं सो के उठा तो प्राइस यहाँ पे कहीं था। अब यहाँ पे था तो ये एक स्विंग मुझे छोटी सी दिख रही थी, तो मैंने यहीं पे कहीं पे एंट्री ले ली। अब प्राइस यहाँ तक गया तो मैं लॉस में, अब यहाँ पे कहीं आया ब्रेक इवन के आसपास होगा, तो अगर प्राइस इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आता है तो यहाँ मेरा SL इसी स्विंग के ऊपर है कहीं, बट मैं देखूंगा, थोड़ा सा मैनेज करूंगा, मैं इस सप्लाई जोन का भी वेट कर लूंगा, बिटकॉइन का जो भी मूव होता है उस हिसाब से। थोड़ा मैं मैनुअली ट्रेड को एग्जिट करना प्रीफर करता हूँ रेदर देन मैं टारगेट लगा के, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा टाइम एक्टिव रहता हूँ, अलर्ट्स लगाता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। तो देखो दोनों साइड अलर्ट लगा हुआ, एक अलर्ट अगर मिस कभी भी होता है एक अलर्ट मिस हो जाता है, तो 1-2 लगाए हुए, तीसरा भी मैं लगा दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कब मुझे मार्केट से एग्जिट करना है। बट इन द केस अगर आप सोचो यहाँ पे अगर बिटकॉइन में एक फॉल आता है बहुत बड़ा, तो मुझे बहुत बड़ी 10-12% की कैंडल देखने को मिलेगी, और मैं 8x से लॉन्ग हूँ यहाँ पे, सॉरी 8x से शॉर्ट हूँ, तो आप सोचो मुझे 80-90% प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा सीड मनी या थोड़ा सा कुछ और उसमें से निकाल के और फिर पोजीशन को ऐसे छोड़ दूंगा, ठीक है, लिक्विडेशन के लिए छोड़ दूंगा कि ठीक है जाओ। अगर वहां से क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो स्पॉट में प्रॉफिट, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं चीजें कर रहा हूँ, आप लोग को नहीं रिकमेंड करूंगा। एक दूसरी स्ट्रेटजी है मेरे पास, 9 मिनट का वीडियो हो चुका है तो मैं बाद में आप लोग को बताऊंगा कि मार्केट जब एकदम डीप में चली जाएगी तो कैसे बहुत कम पैसे में आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। विन विन सिचुएशन है वहाँ पे, 99% चांसेस है वहाँ पे लॉस नहीं होगा, बट 1% मार्केट को हम दे देते हैं, कुछ भी कर सकता है, एग्जाम्पल लूना, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और मेक श्योर कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है आप लोग को, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, और कुछ भी अपडेट होता है तो मैं अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।